ना सच में है अननेचुरल चीज हो लेडी मतलब यानी तस्वीर आई है ना। तुम देखो कितने सारे चमगादड़ है, चमगादड़ों से भरा पड़ा है यार ये। बार साई भूखम आए एक झटका से मंदर मंदर बचाया भगवान ने। अच्छा झटका चमगा तो यार तुम देख लो मतलब अभी ना अपन ने यहाँ से भांगड़ फोर्ट तक का मैप लगाया है और इसमें करीब 84 किलोमीटर दिखा रहा है मतलब 1 घंटा 42 मिनट। भाई यार ये बता बहुत पास है तो मतलब देखो मैं से बता रहा हूँ अभी अपनी बात चली थी कि कितना दूर है दूर। सुबह सुबह दूध का ग्लास भाई क्या ये होममेड। देखो वैसे अपन पूरी रात सोए नहीं और नींद आ भी नहीं रही मतलब ढोलकपुर की वाइब्स ही कुछ ऐसी है। अभी देखो प्लानिंग चल रही है कैसे कैसे क्या होगा तब तक मैं रुआबसा का आनंद ले रहा हूँ। भांगड़ फोर्ट जाना और फिर अपन को रिटर्न आना है क्या चार्जेस लग जाएंगे भाई छोटी गाड़ी से। तो यार देखो अभी अपना कुछ प्लान बन रहा है कि अपन करीब 11-12 बजे तक भांगड़ फोर्ट के निकलेंगे ठीक है मतलब अपन फुल गाड़ी बुक करके जाएंगे। तो भांगड़ फोर्ट का सीन तुम देखना मतलब मैंने तो काफी सुना है एशिया की यार सबसे ज्यादा खतरनाक हॉन्टेड प्लेस है ठीक है। चलेंगे तुम वहाँ का सीन दिखाऊंगा बाकी चलो पहले ब्रश करते हैं फिर तुम सुनता हूँ। ये देखो क्या कर रहा है ये दिखा भाई दिखा। ये तो किससे बात कर रहा है भाई। मैं किससे बात कर रहा हूँ। विवेक भाई से कर रहा हूँ। विवेक भाई तो बात कर रावत से कर रहा हूँ। अच्छा रावत से दिखा रावत कर रहा हूँ। 20 से कब से स्टार्ट होने लग गया रावत तो कभी ऐसे नहीं बोलता है। I'm dying to just see you. वो मेरे को याद कर रहा है भाई। कैसी बातें कर रहा है तू मेरा भाई हो। रावत is just dying to see you. तुम लोग समझदार हो। ये मेरा नाम बहुत खराब करता है। यकीन मत करना। दिखा दे ना। हरामी है। मतलब ये होते हैं कुछ देशद्रोही। भाई कौन सी गेम खेल रहे हो आप। पबजी। भाई यार शिट। भाई आपने वो फीलिंग नहीं है क्या वो देश के प्रति। पबजी है पहले। पबजी खेलेंगे अपन। फुल। बताओ देखो मैंने अभी जस्ट भाई से पूछा कि भाई पबजी कैसे खेलते जब बैन है तो भाई मुझे उतार देंगे मतलब पता नहीं क्या वीपीएन वीपीएन लगा के प्रॉपर भाई पबजी का फुल लुफ्त उठा रहे हैं। तो देखो अपने अपने शौक है भाई को पबजी मजा आता है भाई पबजी खेलते रहते हैं। फुल फुल गलत। फुल गलत क्या बात है। और तुम उधर देख रहे हो सावरिया को। हां भाई सावरिया। डरता हूं मैं ऐसे। हां मैं डरता हूं तुम जैसे खूंखार होमो से। तो वैसे दिखा रहे क्या है तुम्हारे पास। देख लो यार आज का तुम्हारे भाई का गेटअप फुल ये मतलब अपनी वाली शर्ट देख रहे हो तुम क्या बात है। और नीचे अपनी पैंट। हां भाई फुल गोवा की फील लेते हुए। हां बंद कर देंगे क्या बात है। करीब यार आधे से एक घंटे में अपने को निकलना है ठीक है मतलब फुल जिसे बोलते हैं 2 घंटे का रास्ता है। बाकी देखो मैं एक्साइटेड तो हूं लेकिन साथ थोड़ा सा डर भी रहा हूं कि हां यार अपन ने सुना बहुत है यहां एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। बाकी देखो जो अपने भाई है ना वो करीब 3-4 बार जा चुके हैं भांगड़। भाई क्या सीन है भांगड़ का। फुल है फुल गलत बात है। और मैंने सुना वहां की स्टोरी बहुत खतरनाक है यार बहुत तगड़ी है भैया। आगे तो बोल मैं देख रहा हूँ भाई पबजी में पबजी खेल रहा हूँ। मास्टर बटन को लेके आ ब्लॉग बनाएगा ब्रदर है बोलना। भाई मैंने सुना कोई तांत्रिक मांत्रिक ने फूकी मार दी थी वहाँ पे। ये बताओ अभी जिस वक्त अपन जा रहे हैं इस वक्त कोई खतरा वतरा है या फिर नहीं। 6 बजे के बाद होगा वहाँ पे क्योंकि बंद हो जाता है वो। तो मतलब 6 बजे का वो जगह जाने लायक नहीं है। आगरा के छोरे अपन तो 6 बजे पहुँच गए थे यार। फ्लैट का तो फुल लुफ्त उठाया जा रहा होगा। नहीं यार सुबह सुबह तेरी शक्ल मैं चाहता नहीं मेरी गुड मॉर्निंग बैड तब्दील हो जाए। तुम देख लो ये बन गया अपना कुछ घर वाली थाली जिसे बोलते हैं ना घर की थाली। पूरी दाल यहाँ पे ये अपनी खरबूज और लस्सी। और यहाँ पे आंटी पॉपड़ ले आई है। आंटी वैसे पॉपड़ बोलता हूँ गलत तो नहीं बोलता। पापड़ तो पॉपड़ क्या होते हैं। पॉपड़ तो मैंने भी नहीं सुना। ये क्या होता है जीवन में यार क्या होता है पॉपड़। पॉपड़ ही पापड़ ही बोलते हैं। सही में आंटी दाल पूरी खाया खाए मेरा रात में यार। आंटी फुल जैसे बोलते हैं स्पेशल वाले खाने वाले वाली है ना। ओके टेस्टी साइड उड़न बोल के भैया नहीं बनाना हम खाली हो जाएंगे। जितने लोग सुनने समझते हैं मुझे जरा बता देना कमेंट में क्या बोला आंटी ठीक है। बाकी एक चीज है कि हाँ वीडियो ये काफी लंबी होने वाली है। अपन भांगड़ को तुम्हें फुल सीन दिखाएंगे। डर रहा हूं मैं एक्साइटेड हूं मजा आने वाला है। खाना खत्म करते हैं फिर निकलेंगे ठीक है। ये देख लो तुम देख लो मतलब भाई ने प्लास से बैग का लॉक तोड़ दिया ठीक है। भाई तुम तो काफी चोर किस्म के आदमी हो यार। मैं तुम्हें साइड लॉक तोड़ने आते हैं ऐसे फिर देते क्यों इतने आसानी से टूट जाता है। हाँ कहीं हमें खुल गया। हाँ। लॉक देने का मतलब क्या था। जब मैं शातिर चोर है मार्केट में। देखो जरा मुझे बता दे तुम्हारा बुलेट पे कैसा लग रहा है ठीक है। फुल गला था। 15 मिनट्स लेटर तो यार देखो बहुत ना घातक चेंज इन प्लान हुआ है ठीक है। अपन अब गाड़ी चल रहे हैं। तुम देख लो ये आ गई अपनी गाड़ी। अपन ने जो गाड़ी बुक की इसमें भाई क्या रीजन था बता दे। मौसम धूप बहुत गर्मी यार। तो यार देखो मतलब सुविधा जयपुर में पहली बार आऊंगी और मैंने यार मतलब बाइक में सफर करके देख लिया कि यार यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा धूप है ना नहीं नहीं हो पाएगा ठीक है। तो अपन ने गाड़ी बुक कर लिया फुल ठीक है। ट्रिप टू भांगड़ स्टार्ट। सारे भाई एक्साइटेड है। रात में ना मेरी और मनीष भाई की नींद पूरी नहीं हुई ठीक है। तो यहाँ से करीब 2 घंटे रहेंगे थोड़ा नैप लेंगे शॉर्ट नैप जरूरी है। देखो भांगड़ पहुंच के ना मैं जानता हूँ अपने को बहुत जबरदस्त सा सीन मिलने वाला है। क्यों ना अपन अभी थोड़ी सी एनर्जी सेव कर लेते हैं उधर पहुंच के रन कर देंगे भांगड़ का।
देवराज जी आप बताओ, आप पहले कभी गए हो भांगड़? यस, मेरा गांव है भांगड़ यार। वाह, जितना अपन ने भांगड़ का सुना है क्या वो सब सच्ची घटना है? यस, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये जो तुम्हारा स्वैग है ना, यस, एक बार ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं नहीं, ये पुराना हो गया, ऐसे बोलो। फुल गलत नहीं, फुल राइट है, सही है। मेरे साथ बैठे हो यार, तुम्हारे साथ अभी रस्ते में सब गलत होगा। भांगड़ जा रहे हो, सब चीजें तुम्हें गलत मिलेगी क्योंकि मेरे साथ। बोलो फुल गलत। फुल गलत। जरा मुझे बताओ कैसा क्या सीन वहाँ का? वहाँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे जन्नत लगता है, यहाँ किसी अलग जगह, डिफरेंट जगह। ये तो कोई ऊपर ऊपर वाली बात है, सच्ची चीजें बताओ। सच्ची चीज नहीं है, वहाँ पे रियल में वहाँ पे भूत प्रेत की है। नाइन ओ क्लॉक से सिक्स ओ क्लॉक तक वहाँ पे ओपन रहता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे का वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, उसके बाद में जो आज तक कोई रहा है ना वापस नहीं आया। अच्छा, और ये सच्ची बात है? सच्ची बात है, प्रत्यक्ष में है ये, कि जो नाइट को जो रुक गया अंदर, हाँ हाँ, वो वापस आ तक। आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे भूतों की बैठक होती है? हाँ, बहुत बड़ी महापंचायत होती है, जैसे विधानसभा की बहुत बड़ी पंचायत होती है, हाँ, वैसे ही वहाँ पे भूतों की बहुत बड़ी महापंचायत होती है। और ये मैं कैसे मानूं? अच्छा, मुझे लग रहा है, ये मेरा सवाल ऐसा था ना, मुझे लग रहा है कि मेरे ऐसे लोग ही 6 बजे का जाते हैं और फिर कभी मिलते नहीं है। देखो जो रिफ्रेशिंग फील हो रहा है ना, ओ, 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 कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 मिनट। देखो जो अपन ने ब्रेक लिया ना, ये स्पेशली यार गन्ने के जूस के लिए। मैं मोस्ट इगोइस्टिक एनिमल, मैं आ जाओ, मैं हमें यहाँ पे छोटा नोडी मिला, छोटा नोडी, छोटा सकरो। सकरू कौन सी बच्ची थी? क्या खुला है? मैं सकरू कबड्डी खेलता है। उसमें ऐसे कुत्ता होता है? ऐसे होता है, करता है, एक नंबर। क्या बात है, तुमने बड़ी गलत पिक्चर देखी है। तो वही तो दे रहे हैं। क्या कूल है यार, तुम देख लो यार कितना क्यूट लग रहा है। हां अबे कैसे सो रहा है बे? ऐसे सोना है, इस तरह साइड में दिखा गया है। क्या बात है, तुम देख लो, मतलब यहाँ पे गन्ने का जूस आ गया फुल। मतलब प्रॉपर पता लग रहा है कि हाँ यार, ये दिल्ली के गन्ने का जूस तो नहीं है, ये गन्नों का जो स्वाद निखर के आया ना जूस में, ओए होए होए, बहुत सही है। तू मेरे फीते खोल रहे हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने फीते बांधे थे यार, मुझे बांधने भी नहीं आते। चल तो मत कर यार, यहाँ पे आंटी ना मीठे पानी की फुल सेवा दे रही। देखो ये है मेन गेट, इसमें 25 रुपए है, आप अपने फोन से बुक करोगे 20 रुपए, ठीक है। 15 साल से छोटा बच्चा हो फ्री है। हाँ तो ये 14 साल की था थोड़े। हाँ ये अभी निकले हैं कल। तो और देखो ये आ गई अपनी टिकट। ये जो मंदिर है, मैंने सुना कि मतलब इस मंदिर में मट्ठा टेक के जाना होता है अंदर। हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, कि मतलब भूतना चिपटे तुम पे है, फिर तो जाना पड़ेगा यार। कुछ भरोसा नहीं। देखो एशिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है भांगड़। कुमार जी कर लिया? वैसे भाई ड्राइवर ने सही कहा था, यहाँ पे जितने भी घर है सबका ऊपर का माला खाली, सब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से गायब हो गए। देख लो यार, ये तुम्हें जितने स्ट्रक्चर दिखे सारे घर दुकानें थी, ठीक है, और सबका ऊपर का माला खाली है। देखो अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा क्या सीन है। तुम देख लो मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ भी सकते हो। कुछ मुझे ये वाला हिस्सा अलग सा लग रहा है। मैं देखो जितनी ऑडियंस है वो उस तरफ जा रही है, सब इस वाले कोने को यार इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार जाना चाहिए यार। भाई मुझे लग रहा है कि ना ये किसी छोटे राजा का घर था, मतलब प्रॉपर देख लो कितना बड़ा बन रखा है। देखो मतलब तुम जब एंट्री लोगे ना भांगड़ में, तुम खुद कंफ्यूज होगे, मतलब कैसा क्या सीन आएगा, क्योंकि जैसी एंट्री लोगे पूरा तुम्हें खंडर दिखेगा यार। देखो यहाँ के जो पत्थर है ना, ये काफी खतरनाक पत्थर है यार। ओ तेरी, तुम देख लो तो यहाँ पे कुआं बन रखा है, ठीक है। तुम्बाड़ जैसी वो मूवी नहीं थी? हाँ अच्छा, तुम बात क्या क्रेजी मूवी थी यार। मतलब देखो मैं जानता हूँ तुम में से ना बहुत कम लोग ऐसे भांगड़ आए होंगे, ठीक है, तो ये वीडियो को ना पूरी लास्ट तक देखना। भाई तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो यार फुल? मतलब मुझे लग रहा है जो ड्राइवर जी कह रहे थे ना भूतों की बैठक, वो ऐसी जगह ही लगती होगी फुल। हाँ भैया, आज किसको डराया? तुम देख लो मतलब छोटे छोटे से रूम टाइप बन रखे हैं। रात में बहुत खतरनाक हुआ था भाई, रहने का मन तो है मेरे को पता है तेरा, लेकिन नहीं नहीं यहाँ पे क्या है कि ये सफेद वगैरह फूल वगैरह है ना, ये मत तोड़ना बिल्कुल, यहाँ पर पानी पे असरात होते हैं, ये कई घटनाएं हो चुकी है। अगर मैंने फूल तोड़ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, पता नसीब में लिखा जो हो जाएगा। ये देखने को लग रहा है कि बाजार है। हाँ हाँ, जितने भी ऐसे मूवीज हम लोग देखते हैं तो फूल के पहले थोड़ा बाजार ही पड़ती है, लेकिन हाँ कहीं ना कि यार ये अपना थोड़ा सा मार्केट टाइप का लग रहा है। और तुम आगे देख लो, आगे यार उस तरफ फोर्ट है। नहीं होता यार, एक रात में सारी छतें उड़ गई। पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र फेंका था भाई कुमार, तुम भी सीख लो यार। दो यहाँ पे कोई भी चीज ना तुम्हें नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट बिल्डिंग्स भी नहीं मिलेगी, सारी टूटी फूटी आड़ी टेढ़ी सी मिलेंगी, लेकिन कुछ अलग है। देखो यहाँ पे घूम के पता है काफी ज्यादा ना, जैसे बोलते ना वो नेगेटिव वाइब्स, काफी गड़बड़ सी फील हो रही है, नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है जब आप इतना सारा चीजें सुनते हो और आपको जब पता भी है इधर कुछ भी हो सकता है। ये तो यार मीडिया न्यूज। अच्छा देखो जो अपने भाई साहब है ये न्यूज चैनल से ही है ना, तो भाई आपको तो काफी कुछ पता होगा यहाँ के बारे में। पहली बार आए हैं तो आप कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे अलग चीज देख रहे हो, अलग फील महसूस करने हैं, तो कुछ महसूस हुआ अभी तक आपको? अभी अंदर जाने तो दो, तो आओ साथ में चलते हैं। शासन ने कुछ भी सुविधा दे नहीं रखी,
फीस ले ली 25 रुपए। राष्ट्रीय धरोहर है, इसको संभाल के रखना चाहिए सरकार को भी कम से कम करने के लिए। इस हालात से तो 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, अगली पीढ़ी क्या देखेगी। लेकिन अफवाहों ने बचा रखा है इसको, अपने आप ही भूतिया दिख रहा है, अपने आप ही भूतिया दिखने लग जाएगा। रुकोगे रात में मेरे साथ? रात में रुकोगे मेरे साथ? अलाउड करेंगे तो रुक जाएंगे, छुप जाएंगे, रुक जाएंगे नहीं छुप जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं महसूस करके बता दूंगा। अच्छा अभी हाँ, मतलब आपने ऐसे काफी मतलब हॉन्टेड प्लेस विजिट कर रखी है, कोई डिवाइस है आपके पास? नहीं कुछ डिवाइस नहीं है, लेकिन आपसे ये बता सकते हैं कि अननेचुरल चीज है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हवा की बात करते हैं ना, यहाँ आदमी कुछ दिन रह जाए तो अपने आप भूत बन जाएगा। देखो धन्यवाद आंटी को, आंटी सब लोगों को पानी पिलाती है। अरे यार मुझे ऊपर आंटी उतारी थी, यहाँ पे एक व्हाइट वाले फूल है, उनको तोड़ना नहीं है वरना उससे तुम्हें श्राप पड़ सकता है। अरे यार ये बस अफवाह है, तो तोड़ो ना, साथ में तोड़ते हैं, देखते हैं कहाँ मिलते हैं। अच्छा तो मेन फोर्ट यही है, ये देख लो ये मेन फोर्ट है भांगड़ का। यार देखो अपना कुमार भाई खो गया है, ठीक है, मुझे तो आवाज लगानी पड़ेगी। कुमार मैं कहाँ हूँ कुमार? यार ऐसी जगह पे अगर अपना दोस्त खाता ना तो डर लगता है कि शायद जिंदगी में ना मिले। अब मिला अपना भाई, भाई कहाँ हो गए थे तुम यार? फूल खा ले गया ना सच में है अननेचुरल चीज है, लेडीज मतलब यानी तस्वीर आई है ना, और उसमें सच लेडीज है ना, पूरी तरह से नीली ड्रेस, जेंट्स भी है, दो जेंट्स देखे थे और गुफा के गिर्द पेड़ के पास में पेड़ है कोई, गुफा और पेड़। लेकिन ध्यान आपने कैसे लगाया, मतलब महेंद्र का ध्यान आया, तस्वीर आई है पूरी आई है। अच्छा आंटी जी नमस्ते, और जैसा मुझे उन भाइयों ने बताया ना, मतलब मुझे तो यार काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा वो, उन्होंने कैसे 5 मिनट के लिए ध्यान लगाया, पता नहीं क्या कोई गुफा की तरफ नीली साड़ी में औरत फील हुई थी और कोई आदमी भी उसके साथ, मतलब कुछ अलग था, कुछ गड़बड़ सी होने लगी और वही गड़बड़ का हम पता लगाने के लिए ऊपर जा रहे हैं फुल। तुम नीचे देख लो कुछ हो रहा है, और यार बहुत देर से ना आवाजें लगा रहे हैं, ठीक है, ये शायद इसी भांगड़ के रहने वाले होंगे या जो भी है, कुछ तो चल रहा है, या किसी का भूत भूत निकाल रहे होंगे। वो भाई साहब, भाई मेरे ख्याल से इधर आंचे एक बार, मतलब ये पता नहीं क्या छोटे छोटे जेल जो होते हैं ना, ये वो है वो तेरी, अपन जेल के अंदर भाई यहाँ पे चमगादड़ होते हैं। चमगादड़ है वो भाई साहब, तुम देखो यार मतलब अंदर कितने सारे चमगादड़ है, देख रहे हो दीवार पे लटके हुए। मुझे लग रहा है भाई असली चीज जो है ना वो यही से आती होगी अंदर। ना ना यार अटैक कर देंगे, ये देख रहा चमगादड़ मरा पड़ा है, कितनी दर्दनाक मौत मिली इसे यार। तो यार देखो अपने इतने भाई है ना वो कह रहे हैं कि इस गेट के अंदर पता नहीं कुछ नेगेटिव वाइब्स है, चुपचाप में जाना है, महसूस करना है, जरा देखते हैं अंदर क्या सीन है। भाई कुछ तो गलत है अंदर यार, आवाज तो अलग है। हाँ और साथ में जैसे चमगादड़ भी है ना वो कुछ हमें इशारा कर रहे हैं। मैं तो आपको बताता हूं कि जो अपनी नेचुरल हवा है ना उससे अलग आवाज आ रही है। हाँ। मतलब महसूस भी अलग हो रहा है। जय जिंद बाबा का ये पता नहीं क्या मंदिर टाइप का बना रखा है। तुम देखो कितने सारे चमगादड़ है, चमगादड़ उसमें भरा पड़ा है यार, ये पता नहीं क्या यार अलग वाइब्स आ रही है यार, कुछ तो गलत है। 14,000 लोग देखिएगा ना अपने ऊपर से कितनी बड़ी बोंड है, ये पहाड़ी से ये पहाड़ी तक, तो फिर आधे लोग तो निकल चुके और आधे लोग मर चुके। बारिश आई, भूकंप आए, एक झटका से मंदिर मंदिर बचाया भगवान ने। अच्छा झटका से बस मंदिर मंदिर बचाया भगवान ने। बारिश आएगी तो फूल निकलेगा तो इसके सांप आ जाते हैं। अच्छा ये बोलते हैं भूत है, भूत कुछ भी नहीं, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें पानी का झरना है तो इकट्ठा होता है, शिव जी का 3 कुंड है, पानी पीने के लिए जानवर आते हैं, इसके आगे 3 किलोमीटर से पानी आता है। अच्छा तो यहाँ कुंड है। अच्छा। उसमें इकट्ठा हो जाता है। हाँ। तो जानवर पानी पीते पीने के लिए आते हैं। वो झील दिखाया भाई, झील पानी झील है। हाँ। तो 3 किलोमीटर दूर वहाँ से यहाँ आता है। अच्छा यहाँ पीने आते हैं, पानी पीने आते हैं सारे जानवर लोग। अच्छा बाकी शेर नहीं है, शेर नहीं है, नहीं पूरे जानवर, एक तो टाइगर है, टाइगर एक बघेरा, बघेरा बघेरा जेब्रा, हाँ और सिंह वाला होता है ना सामरी बारहसिंगा, और वो बोलते हैं नीलगाई, नीलगढ़, और वो सूर होते हैं जंगली, जंगली सूर। अच्छा ये पूरा जानवर, जैसे दिन में ज्यादा इंसान होता तो वो डर जाते हैं, इधर उधर छुपा होगा तो रात में आते हैं, फिर वो रात को प्यास लगती है ना। अच्छा। इसलिए बोलते हैं भूतों का किला है, भूतों किला। तो लोग मानते नहीं है इसलिए मान जाते हैं। अच्छा मतलब ये भूतों की बात इसलिए लाई गई कि हाँ जानवर भी बचे रहेंगे, लोग मतलब आएंगे भी रात में। जानवर आते हैं तो पहले बंदर चिल्लाते हैं। अच्छा पेड़ पे रहते हैं ना। हाँ। तो शोर मत आ, चारों तरफ भगवानों से घिरा है, भूत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं मन में कर लेते हैं तो भूत तो वहीं हो जाते हैं। तुम देख लो मतलब फुल मटरी और चाय, ठीक है, घूम के
हाँ मजा आ गया आंटी। भांगड़ का ना पूरा रहस्य, पूरा रहस्य पता लग गया। मतलब कोई भूतिया जगह नहीं आंटी वो, एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में गिना आता है इसे, फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन हमने रेस से खोल दिया इसका, वो बुढ़िया मैंने पूरी पोल खोल दी। भाई ने बोला कि यार यहाँ के वड़ा पाव बहुत टेस्टी होते हैं, तो अपन ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो खाना है, ठीक है, कैसा है भाई? भाई जो ब्रेड पे ग्रेवी लगा है ना, वो मजा दे रहा है। यहाँ पे एक पीस अफगानी चिकन का, उसके अंदर प्याज और यहाँ पे हरी चटनी, फुल स्वादिष्ट है, एक नंबर है, बहुत टेस्टी लग रहा है। नो रोटी बेइज्जती हो गई है, अफगानी की मलाई चाट रहे तो मेरे को भी चटनी है। भाई को मलाई से प्यार है ना, कोई दिक्कत नहीं। यार देखो ये आ गए अपने चॉकलेट पान, क्या बात है, जयपुर स्पेशल। ये है नंदू भैया का पान, कर ले पहले, कर ले ऐसे निकालने का। हाँ हाँ, और खाता देगा। चिंगारी ना केरा भाई केरो केरो सीने केड़ा केड़ा सीने 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 ए सीन केड़ा केड़ा सीने 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 फाड़ने लायक हो रहे हैं फुला, क्या फाड़ेंगे हम?